जन सुनवाई के नाम पर खेल। इस तरह की घटना के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। इसके बाद में लास्ट में इन्होंने फिर क्या किया, एक भद्दा मजाक। क्या ऐसा होता है कि आप अपने गांव की समस्या की शिकायत करें और अधिकारी दूसरे गांव की समस्या खत्म कर ये कहे कि आपकी शिकायत पर अतिक्रमण हटा दिया गया है? और शिकायत सेक्टर 34 की और लिख के दे रहे हैं कि सेक्टर 22 के सारे अतिक्रमण निपटा दिए गए। ऐसा सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे, लेकिन नोएडा में जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद यही जवाब मिला है। इसकी कहानी हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जनसुनवाई के नाम पर जनता के साथ जो धोखा हो रहा है उस पर गौर कीजिए। खराब सड़क, सड़क में खुले मैनहोल, बाजार में अतिक्रमण और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने जैसी न जाने कितनी समस्याओं से यूपी की जनता को रोजाना दो चार होना पड़ता है। मैंने वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, बहुत दिन हो गए, महीने हो गया है, लेकिन होगा हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऑनलाइन में कि। ब्लॉक से लेकर जिले तक के अफसरों के दफ्तरों तक भागते भागते लोगों की चप्पल घिस जाती है। घंटों, दिन, महीने और सालों तक अपनी समस्या के निस्तारण के लिए लोग भटकते रहते हैं। इस तरह से भाग दौड़ कर कुछ लोगों की समस्या तो सुलझ जाती है, लेकिन अधिकांश लोग अधिकारियों की लापरवाही की वजह से परेशान रहते हैं, उनकी सुनवाई होती ही नहीं। 13 तारीख का फार्म है, ये अभी तक नहीं हो पाया है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए यूपी सरकार ने एक जन सुनवाई पोर्टल बनाया, जहां पर यूपी का आम नागरिक अपनी शिकायत सीएम तक पहुंचा सकता है। यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली के बिल जमा करने और राशन कार्ड बनवाने जैसे तमाम जरूरी चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया। ऐसे पोर्टल के आने से लोगों में एक उत्साह दिखा। जनता को लगा कि उनका काम अब जल्दी हो जाएगा, महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। लेकिन क्या ये पोर्टल खरा साबित हो रहे हैं? क्या इन पोर्टल के जरिए जन सुनवाई हो रही है? क्या सरकारी दफ्तरों में जनता की बात सुनी जा रही है? आज इसी की हम पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बावजूद दफ्तरों में लोगों को परेशान किया जाता है। तो बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि जन सुनवाई का धोखा होता कैसे है। जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए सरकारें लाख कोशिश करती हैं, लेकिन लाल फीताशाही की लापरवाही समस्या को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देती है। नोएडा में भी कैसा ही मामला सामने आया है, आप रिपोर्ट के जरिए पूरे मामले को समझिए। जनता की समस्याओं के ऑनलाइन समाधान के लिए यूपी सरकार ने जन सुनवाई पोर्टल बनाया है, लेकिन इस पोर्टल पर कोई समस्या सुलझने की जगह उलझ जाए तो क्या करें? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला नोएडा में सामने आया है, जहां शशि भूषण नाम के एक शख्स ने नोएडा के सेक्टर 34 के हिमगिरी अपार्टमेंट में कई घरों के बाहर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की। कई दिन बाद उन्हें जवाब तो मिला, लेकिन वो जवाब पाकर हैरान रह गए और आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। जवाब को दिखा दूं, ये देखिए जवाब है इनका 29 फरवरी का, ठीक है, 29 फरवरी का। इसके बाद में तो इन्होंने ऐसे अजीबोगरीब जवाब दिए कि मेरे एप्लीकेशन कंप्लेंट नंबर को ही चेंज कर दिया। अच्छा, आपका कंप्लेंट नंबर चेंज हो गया? कंप्लेंट नंबर चेंज कर दिया, और कंप्लेंट नंबर चेंज करने के बाद में इन्होंने सीधा लिख दिया कि ये जो आपके जो शिकायत है उसको भारत सरकार आके इसको खत्म करेगी। भारत सरकार को लिख दिया गया है, भारत सरकार आके इसको सॉर्ट आउट करेगी कंसर्न पर्सन। हैरानी की बात ये है कि पहली बार शिकायत का जो जवाब दिया गया था उसमें कंप्लेंट नंबर बदल दिया गया था। इसके बाद जब उसी शख्स ने दोबारा जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की तो दूसरी बार जवाब आया कि सेक्टर 34 में अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 22 में सभी अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि आप इसको आपका कंप्लेंट आपकी सुनवाई के लिए भेज दिया गया है। सेक्टर 22 की जितनी भी कंप्लेंट है
उसको कंसर्न अथॉरिटी के पास में भेज दिया गया है और शिकायत सेक्टर 34 की और लिख के दे रहे हैं कि सेक्टर 22 के सारे अतिक्रमण निपटा दिए गए हैं। इस मामले पर जब आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस खबर को लेकर जब हमने संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे के सामने नहीं आया। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार शिकायतों के निस्तारण के लिए कितनी गंभीर है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 34 और सेक्टर 22 के बीच कई किलोमीटर का फासला है। ऐसे में अब शिकायत करने वाले ने इस मामले में कोर्ट की शरण लेने का फैसला किया है। लखनऊ से विनीत दुबे के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज स्टेट, नोएडा। दरअसल लोगों के पास वक्त की काफी कमी है, ऐसे में हर आदमी ये चाहता है कि बिजली के बिल, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड कम समय में उनको उपलब्ध हो जाएं। सरकार भी यही कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश गाजियाबाद में दम तोड़ती दिख रही है। कैसे, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। गाजियाबाद के हर सरकारी काउंटर पर पब्लिक आपको खड़ी मिलेगी। डिजिटल इंडिया का सपना है, लेकिन जरा सुनिए, अगर ऐसा ही रहा तो सपना कितने दिनों या कितने साल में पूरा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दिखता सर। मैंने अपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, तो हम मेरे और मेरे हस्बैंड को काफ़ी चक्कर काटने पड़े, और उसके बाद अब मुझे अपने बेटे का नाम चेंज करवाना है बर्थ सर्टिफिकेट में, तो भी हम लोगों को ऑनलाइन तो कोई एक्सेस हो नहीं रही है, जाना ही पड़ रहा है, हमें रेगुलर जाना पड़ रहा है। मैंने वाटर कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, बहुत दिन हो गए, महीने हो गया है, लेकिन होगा हो रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन में कि प्रोसेस ऑन गोइंग है, होगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता, ना कोई पूछने वाले किससे पूछे क्या, कुछ नहीं पता है। तो अब पर्सनली ही जाना पड़ेगा, पर्सनली जाके ही पता करना पड़ेगा कि प्रोसेस कितना तक हुआ है। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, किसी को आधार कार्ड। जो लोग बिजली का बिल ऑनलाइन जमा नहीं कर पाए वो भी कतार में है। लोगों का आरोप है, एक तो ऑनलाइन सेवा किसी काम की नहीं, ऊपर से बिना रिश्वत दिए गाजियाबाद में कोई काम नहीं होता। मैं कम से कम 5 से 7 बार अप्लाई कर चुका हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी तो इसमें आधार कार्ड की समस्या बता देते हैं, कभी फ़ोन नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सब बिल्कुल फेक है। उसके बाद मैंने दलाल को 5,000 रुपये देने के बाद तब जाके मैंने अपना DL लाइसेंस बाहर से बाहर लिया। ऑनलाइन अप्लाई किया तो नहीं बना, लेकिन जब आपने पैसे दिए तब बना। जब पैसे दिए तब बना, ऑनलाइन कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है, वहाँ जाके पैसे दिए, ना मुझे टेस्ट देना पड़ा, कुछ भी। तो ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है, ऑनलाइन कुछ नहीं होकर दे रहा। मुझे भी अभी ऑनलाइन तो हुआ नहीं है, अब जाके ही करवाना पड़ेगा वहाँ पे भी। पैसे देने पड़ेंगे आपको भी? देने पड़ेंगे बिल्कुल, आजकल बिगर पैसे के तो कुछ होता नहीं है। जब तक खुद नहीं जाओगे कोई चीज़ नहीं होगी। ऑनलाइन कर देंगे लेकिन उसे किसी ना किसी चीज़ को लेकर रिजेक्ट कर लेंगे, तो इसलिए हमें चक्कर जरूर कटवाते हैं। कितनी भी कोशिश कर लो चक्कर जरूर कटवाते हैं। बात करो GDA है चाहे नगर निगम हो, कई बार जाना पड़ता हो कई कामों के लिए। कभी लगा कि ऑनलाइन अप्लाई करें या ऑनलाइन हम कुछ करें तो मिल जाता है? सर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लेकिन नहीं मिलता, उसके बाद भी जाना पड़ता है। चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, किसी भी चीज़ के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जाना जरूर पड़ता है। इस लड़की को सुनिए, गर्मी से राहत पाने के लिए घर में AC लगा है, पहले से ज़्यादा बिजली की खपत होने से ये परिवार पावर क्षमता बढ़वाना चाहता है, लेकिन बिजली विभाग इनके शिकायत की सुनवाई करने में देरी कर रहा है। हम लोग ऑनलाइन सिस्टम में चले तो जाते हैं लेकिन उसके बाद काम कुछ नहीं होता। हमारा डाटा ज़रूर ऑनलाइन हो जाता है, डाटा से कुछ भी चोरी हो जाता है, लेकिन जैसे ही हमारे घर में बिजली का कनेक्शन है, हमने अभी लास्ट मंथ ही AC लगवाया है, तो उसका लोड बढ़वाने के लिए कम से कम ऑनलाइन 3-4 बार ले करवा लिया, उसके बाद चक्कर भी लगा लिए, लेकिन उसमें भी अभी तक कुछ नहीं है, तो लगता ही नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। एक एक टेबल पर जा के पूछना पड़ता है, पर्ची दिखानी पड़ती है, उसके बाद जाके आपका काम होता है। ऑनलाइन कुछ भी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट की तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। ऐसी तमाम शिकायतें हैं। न्यूज स्टेट की टीम ने इस संबंध में अधिकारियों से भी बातचीत की, लेकिन किसी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। जब इस बात को लेकर हम अधिकारियों के पास पहुंचे और उनसे बात करनी चाहिए तो ना तो बिजली विभाग के मुख्य अभियंता यहां पर मिले और ना ही RTO ऑफिस में RTO की कुर्सी पर बैठे RTO अधिकारी यहां पर मिले। लेकिन जनता से जो हमने बात की उनकी बातों से तो यही लगता है कि सरकार के जितने भी दावे हैं वो सब महज दिखावा है। वीडियो पुनीत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद।
सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश है कि अधिकारी और कर्मचारी लोगों को बेवजह दफ्तर ना बुलाएं, कम वक्त में समस्याओं की सुनवाई करें और लोगों को परेशान ना करें। लेकिन न्यूज स्टेट की टीम ने जब आगरा के राशन बनाने वाले काउंटर का जायजा लिया तब ये पता चला कि वहां राशन कार्ड बनवाने के लिए ग्रामीण 2 से 3 महीनों से चक्कर काट रहे हैं। ये आगरा की जनता है जो राशन कार्ड के लिए महीनों से चक्कर लगाती आ रही है। कोई 2 महीने से आ रहा है तो कोई 3 महीनों से चप्पल घिस रहा है। हर बार अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर ये कोसों दूर से राशन कार्ड बनवाने आते हैं, लेकिन इनकी इन परेशानियों को कोई नहीं सुनता। पुरानी कहावत है कि सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाएगी, लेकिन आपका काम नहीं होगा। योगी सरकार आने के बाद भी वही हालत बने हुए हैं। आप देख सकते हैं तमाम फरियादी इस समय आगरा की सदर तहसील में मौजूद हैं और कई महीने हो चुके हैं इनके राशन कार्ड नहीं बने हैं और आज भी ये अपने पैसे से समय निकाल कर यहाँ आए हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि इनका राशन कार्ड कब बन पाएगा। सरकार बदली तो लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि काम वक्त पर पूरा होगा। सीएम ने ऐसा ही वादा किया था, लेकिन उन वादों पर सरकार के कर्मचारी कितने खरे उतर रहे हैं इस बातचीत में जरा ध्यान से सुनिए। तमाम फरियादी हमारे साथ हैं। कितने महीने से आप चक्कर काट रहे हैं? 2 महीने से भाग रहे हैं साहब। 2 महीने, 4 दिन का 8 दिन का 6 दिन का नाम ले देते हैं। क्या बोल देते हैं आपसे? यूँ कहते हैं अभी नहीं हो रहा है, काम स्टार्ट नहीं है। काम स्टार्ट नहीं, बन नहीं रहे। अच्छा, आपने सारे कागजात जमा कर दिए? हाँ, सब कागजात जमा है फुल। अच्छा, आप बताइए माता जी कहाँ से आई हैं? धनौली से। राशन कार्ड के लिए क्या बोलते हैं सब लोग? मांगे आधार कार्ड लड़की के लड़का के बनने ले आई सब। अब वे देख रहे हैं, यूँ करे देखूंगा मैं। इन 1.5 महीने ऐसे ही कर देते हैं। कितने महीने से आप आ रही हैं? 1.5 महीना हो गया हमें, 3रा चक्कर हो गया हमारे यहाँ पर आते आते। अच्छा, कल परसों के दिन भी आए, आज की बोल रही तो आज वो खुद बैठे नहीं है यहाँ पर। सारे डॉक्यूमेंट्स हाँ सब है, सब जमा कर लिए ना, ये हमारे पास में भी है। चलिए, आप देख सकते हैं कि तमाम जो फरियादी हैं, अब अंदर चलते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि क्यों राशन कार्ड नहीं बन रहा है। तमाम लोग बाहर घूम रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने हो गए, आखिर क्या वजह है कि उनके राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे? राशन कार्ड तो भैया बनाए जा रहे हैं। नहीं, वो 1.5-2 महीनों से परेशान है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके रखे हुए, ऐसी क्या वजह है, क्यों नहीं बनाए जा रहे? नहीं, राशन कार्ड तो बन रहे हैं भैया, सबके बन रहे हैं, सबके जो बाहर वो घूम रहे हैं। ये बताइए, आप बताइए क्यों बाहर वो घूम रहे हैं? आप तो आराम से बैठे हुए हैं, तो गांव में पैसे खर्च करके किराया भाड़े से जैसे भी आ रहे हैं वो आ रहे हैं, लेकिन वो तो परेशान है। नहीं, कार तो बनने में खुद फिट कराने आया हूँ कार्ड। उनका कहना है, अच्छा आपके, आप बताइए, इनका कहना है कि राशन कार्ड बना के दे रहे हैं और आप मना कर रही हैं? अब बनाओ ना है, देख रहे हैं हम नेट में से। अच्छा, हाँ। हो चुका है, हमें आते आते यहाँ पर आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। वो क्या हो जाएगा काम, तो कब हो जाएगा काम, कितने चक्कर लगाए यहाँ पर हम। कर्मचारियों का रवैया देखने के बाद हमने एसडीएम सदर के दफ्तर का रुख किया। ये है आगरा के एसडीएम सदर श्याम लता आनंद का दफ्तर। लोग ऑफिस के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। पता नहीं अधिकारी कहां मस्त थे, लेकिन जनता उनके दफ्तर में त्रस्त थी। योगी सरकार आने के बाद ब्यूरोक्रेसी में कोई बदलाव आया है तो शायद ये गलत होगा। वही पिछली सरकारों की तरह ढर्रे पर काम कर रहे हैं अधिकारी। अभी 1 बजे का वक्त नहीं हुआ है और एसडीएम सदर श्यामलता आनंद अपनी उन्होंने ऑफिस छोड़ दी है, और आप देख सकते हैं उनके ऑफिस के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं। अंदर से ताला लगा हुआ है, बाहर फरियादी भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने ये रियलिटी चेक किया है, किस तरह से 2-2, 3-3 महीने से अपने राशन कार्ड के लिए तमाम फरियादी तहसील का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन रहा है। जब इसके जानने के लिए हम एसडीएम सदर श्यामलता आनंद की ऑफिस पहुंचे और उनसे हम जवाब लेना चाहते थे कि वो क्या कर रही हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो ऑफिस अंदर से बंद है और हमने इसको लेकर उनसे फ़ोन पर भी बात की है, तो उनका काफ़ी गैर जिम्मेदाराना बयान फ़ोन पर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास कोई लिखित शिकायत करे तो वो ज़रूर कार्रवाई करेंगी। इसके बाद हम तहसीलदार रजनीकांत के दफ्तर पहुंचे। हम लोगों की समस्याएं उनके सामने रखना चाहते थे, लेकिन तहसीलदार भी मौके पर नहीं मिले।
आगरा की सदर तहसील का क्या हाल है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से जो तहसीलदार सदर हैं रजनीकांत, उनकी ऑफिस में ताला पड़ा हुआ है और यहाँ जो स्थानीय लोगों से जो मौके पर मौजूद थे उनका कहना है कि वो सुबह से यहाँ नहीं है और फरियादी बाहर भटक रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, आप किसके लिए आई हैं? हमें तहसील के लिए आई हैं। कितने दिन से आप यहाँ आ रही हैं? 2-3 महीने से आ रहे हैं। हम परेशान हैं। हम देखो हमारा ना तो बुढ़ापे की बनी, ना हवाई विधवा की बनी, कुछ भी नहीं बनी है। अब जो आते हैं कभी कोई नहीं, कह देते ताला बना, हमको पता नहीं है। लग रहा है 2 महीने में भी आपका काम नहीं हुआ भैया। मुलाकात हुई आप? हमारी नहीं हुई है, कोई बताते ही नहीं है कि किसी आदमी को मरे हुए हो गए। ना हमारी कोई पेंशन विधवा की बन रही, ना बुढ़ापे की बन रही। अब बच्चे आप सब अलहदा हैं। हो सकता है कि दोनों अधिकारी किसी जरूरी काम से कहीं गए हों, लेकिन इन लोगों की समस्या एक दिन की नहीं है। क्या 3 महीने से दफ्तरों के चक्कर काट रहे इन लोगों पर किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी? तो इससे समझा जा सकता है कि भले ही योगी सरकार आ चुकी हो और ब्यूरोक्रेसी पर तमाम दबाव की बात कही जा रही है, लेकिन निचले स्तर पर जो ढर्रा है वो वैसा ही है। अधिकारी वैसे ही लापरवाह और बेपरवाह तरीके से काम कर रहे हैं और जनता वैसे ही त्रस्त नज़र आ रही है। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, स्टेट उत्तर प्रदेश। दरअसल शिकायत सिर्फ यूपी सरकार के जनसुनवाई पोर्टल से नहीं है, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और आगरा की तरह ही इलाहाबाद में भी जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं दिखे। नन्हे समीर ने होश नहीं संभाला है, लेकिन नगर निगम के काउंटर पर इंतजार करना सीख लिया है। अच्छा है, आम आदमी की उम्र का एक हिस्सा ऐसी कतारों में बसर जो होता है। कहते हैं कि इस देश में आम आदमी को जीना सीखना है तो सबसे पहले उसे लाइन में लगना सीखना होगा। दिक्कत यह है कि स्कूल में कहा कि आप बिटिया का आधार कार्ड दीजिए। यहाँ से मैं 2 दिन आ रहा हूँ, बिटिया का काज हो रहा है स्कूल का। हम भी अपना कचहरी छोड़ के यहाँ भाग क्या रहे। ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप अपॉइंटमेंट लीजिए, 12 तारीख को आइए। जब स्कूल ने बच्चों का आधार कार्ड मांगा तो चूल्हा चौका और परिवार चलाने वाली ममता को खुद बच्चों को लेकर नगर निगम के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा। कल हुआ था, आज हुआ था, बीच में पहले भी हुआ था जी। 13 तारीख का फॉर्म है, ये अभी तक नहीं हो पाया है। घर पर अकेली होने के चलते वो बीते 1 महीने में कई बार बच्चों को लेकर नगर निगम आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। आने जाने में दिक्कत, हस्बैंड रहते नहीं मेरे यहाँ पे, तो बच्चों को भी छुट्टी करवाना पड़ता है और लेके आना। 2 दिन से तो अभी गैप हो रहा है, तो 4-5 दिन पहले ही गैप कहिए। दिक्कत तो हो ही जाती है, घर में बूढ़ी सास हैं तो उनको भी अकेले रहना पड़ रहा है। दर्जनों लोग कतार में लगे हैं और कई दिनों से रोजाना ऐसे ही आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। बहन का आधार कार्ड बनना था, स्कूल में दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो बोलने के बिना आधार के नहीं होगा। तो आधार बोले, अब यहाँ पे आ जाए थे तो बोले कि अब 12 को डेट दे दिया है, 12 तारीख को आए हैं। इन्हें अपने नाम में हुई गड़बड़ी को ठीक करवाना है, लेकिन वो कब होगा कुछ पता नहीं। हाँ, उसमें टाइटल हमारी गलत हो गई। हमारा जो भी कागज पत्र है वो अशोक कुमार साहू के नाम से है और बच्चे ने गुप्ता के नाम से करवा लिया था, बनवा लिया था। केंद्र की मोदी सरकार बैंक खाते से लेकर मोबाइल कनेक्शन तक हर चीज आधार नंबर से जोड़ने का फरमान जारी कर चुकी है, लेकिन जब आधार मिलना इतना मुश्किल होगा तो आगे की मुश्किलों का कहना ही क्या। आधार कार्ड यूं तो जनता की सहूलियत के लिए है, लेकिन इसे बनवाना भी किसी जहमत से कम नहीं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसी बातें केवल सरकारी प्रचार तंत्र तक ही सीमित होकर रह गई हैं। इलाहाबाद से वीडियो जर्नलिस्ट रितेश सिंह के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार पूरी तरीके से अतिक्रमण की चपेट में है। सुबह से दुकानदार सड़कों पर कब्जा कर लेते हैं, शाम होते होते यहां से पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने समस्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है, शिकायत पर सुनवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है। अतिक्रमण क्या है ये देखना और समझना हो तो आप इसके लिए अमीनाबाद आइए। भारत के सबसे पुरानी बाजारों में से एक है अमीनाबाद, और यहाँ पर बाजार कैसे लगती है आप ये देखिए कि 20 सड़क पर ही आ गए हैं ये, और गाड़ियाँ जाम लग रही हैं। हालांकि अब कैमरा स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद बाजार अंदर जा रहा है, सड़क से किनारे हटा रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये देखिए कि बिल्कुल 20 सड़क पर लगा दिया था, गाड़ियों के चलने के लिए जगह ही नहीं बची थी। कोई एक दुकान नहीं है ये, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ऐसी दुकानें लगी हुई हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा शाम होते होते पूरी सड़क पर सिर्फ बाजार ही बाजार नजर आएगी और पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। आप लोग यहीं दुकान लगाते हैं क्या?
आप दुकान लगाते हैं या सड़कों पर दुकान लगा लेते हैं लोग? इनसे बात करिए भैया, आप नहीं करेंगे बात? आप भी यहाँ के क्या है? चलते हैं। अच्छा, ये जो सड़क जाम कर लेते हैं इससे प्रॉब्लम होती है आम आदमी को? नहीं होती है, नहीं, बहुत कम होती है, है? बहुत कम होती है। कम होती है क्योंकि यहाँ पे आदत बन गई ना। अच्छा, तो आदत बन गई तो कोई दिक्कत नहीं चलता है सब? नहीं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, चलते फिरते रहते हम लोग। गाड़ी वालों की दिक्कत? आप लोगों की भी यहाँ दुकान है कि आप क्या क्या सामान लेने आए कि दुकान ही लगाते हैं? दुकान काम करते हैं भाई। दुकान यहाँ बीच सड़क पे ही बाजार लग जाती है? जी हाँ, लगती है। तो यहाँ पे हर टाइम ऐसे ही लगता है, ऐसे ही दुकान लगता है। और काफी गाड़ी कैसे चलेगी, लोग कैसे चलेंगे? गाड़ी अब पब्लिक है, मान लीजिए दुकान भी लगनी जरूरी है और पब्लिक तो खैर भाई गाड़ी है तो गाड़ी उधर अपना रुक जाती है, आदमी पैदल आते जाते हैं। तो शाम होते होते तो बहुत पूरा जाम हो जाता होगा? हाँ, शाम होते होते ज्यादा जाम लग जाता है। जाहिर बात है कि पुलिस की मिली भगत के बिना ये पॉसिबल नहीं है। क्या पुलिस वाले पैसे भी लेते हैं यहाँ पर जो जाम लगता है और ये दुकानें सड़क पे लग जाती है? बिल्कुल लेते हैं, इनको सब मिली भगत है, वो सब जानते हैं अच्छे से, उनको एक ही खबर रहती है। जैसे पुलिस आती है पूरा हट जाता है, सब साफ हो जाता है, और जैसे पुलिस जाती है फिर वहाँ पर लग जाता है मामला। बिल्कुल, तो ये हाल है अमीनाबाद का। वीडियोलिस्ट मौत फैम के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो लखनऊ में अतिक्रमण की समस्या के लिए भले ही पुलिस पर सवाल उठ रहे हों, लेकिन अधिकारियों का यह कहना है कि पुलिस प्रशासन नगर निगम के साथ मिलकर समस्या पर काम कर रहा है। पूरे शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कोशिश लगातार की जा रही है। और लखनऊ में भी जैसा आपको जानकारी में होगा कि हुसड़िया में एक बहुत बड़ी एक फेरी की एक मंडी थी जो यहाँ पर लगती थी, उसमें सैकड़ों की संख्या में दुकानदार अपनी फेरियाँ लगाते थे, ठेलियाँ लगाते थे। उसको प्रॉपर चिन्हित करके एक प्रॉपर वेंडिंग जोन बना के उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो शुरुआत इसकी लखनऊ से हो चुकी है। ये कम्बाइंड एफर्ट है जिसमें पुलिस, नगर निगम और बाकी सब एजेंसीज इन्वॉल्व होकर इस चीज़ को करेंगी, बिकॉज इसका स्केल बहुत बड़ा है, लोग बहुत सारे हैं, इसको करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्रयास सभी की तरफ से जारी है और सरकार की भी मंशा है कि इस चीज़ को प्रॉपर फेरी पॉलिसी के तहत कि लोगों का रोजगार भी सफर ना करे और शहर को भी एक अच्छी दिशा और दशा दी जा सके। ऐसा नहीं है कि इन कमियों की शिकायत नहीं होती, बहुत से लोग यूपी सरकार की जनसुनवाई वेबसाइट पर इसकी शिकायत करते भी हैं। भ्रष्टाचार से लेकर अधिकारियों की लापरवाही की शिकायत सीधे सीएम तक भी जाती है, लेकिन फिर भी हालात बदल नहीं रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी खंडहर में तब्दील सड़कें अभी तक ठीक नहीं हो पाई हैं। गड्ढे ही गड्ढे, ये काशी की सड़कों का हाल है। वाराणसी के भिटारी से लहरतारा मार्ग से जब आप गुजरेंगे तो गड्ढा मुक्त सड़कों के दावों की पोल खुल जाएगी। सड़क बनाने के लिए बहुत पहले कवायद शुरू हुई थी, जगह जगह मैनहोल बनाए गए थे, लेकिन न तो अभी तक ये सड़क तैयार हुई और न ही मैनहोल ढके गए। कि शहर के जितने भी 90 वार्ड है, 110 वार्ड हो गए, 90 से 110 वार्ड हो गए हैं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। जब कोई VIP गण आते हैं तो फटाफट जो है उसको तुरंत उसका इम्प्रूवमेंट हो जाता है, रिपेयरिंग हो जाता है, उसके बाद वो टेम्पररी होता है। अभी तक तो सड़कों की स्थिति जिस तरह से होनी चाहिए अभी तक तो हो नहीं पाई। देखिए, आप 27 साल की कमी को आप चाहेंगे एक साल में पूरा हो जाए तो कैसे संभव है। PM मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन सड़कों के मामले में अभी भी बहुत काम बाकी है। योगी सरकार का यह दावा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही हैं, पर वाराणसी की सड़क की तस्वीर को आपको दिखाएंगे। ये सड़क जो वाराणसी से चौबेपुर की तरफ जाती है, इस सड़क का हाल देखिए। गड्ढा मुक्त होने की दूर की बात, अभी तक ये सड़क बनी ही नहीं है। हालांकि DM का दावा है कि 15 जून तक सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। सड़कों पे काम बहुत तेजी से हो रहा है, आप लोग स्वतः देख सकते हैं। प्रयास ये है कि बारिश के पहले, मानसून के पहले जो भी हमारे गड्ढे हैं उनको मुक्त किया जाए और सड़कों की, नई सड़कों का निर्माण या रिस्टोरेशन का जो कार्य है उसको 15 जून तक हर हालत में पूर्ण कर लिया जाए। UP में BJP की सरकार के एक साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन वाराणसी की तस्वीर में बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लोगों की शिकायतों पर अब भी अधिकारी ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।